खरगोन के नूतन नगर में स्थित भक्तानंद जी इंस्टीट्यूट के छात्रों को परीक्षा में बैठाने के नाम पर एब्सेंट फाइन वसूला जा रहा था, जिसके विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि नर्सिंग की छात्राओं से कॉलेज प्रबंधन एक एब्सेंट के नाम पर रुपए वसूलने के नाम पर दबाव बना रहा था, जिसके विरोध में छात्राएं लामबंद हो गई। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि उन्हें प्रबंधन FIR दर्ज करने के नाम पर धमका रहा है, जबकि कॉलेज प्राचार्य फाइन वसूलने की बात से साफ तौर पर मुकर गई, जो गंभीर चिंता का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लोगों को एब्सेंट फाइन मांग रहे हैं। हम लोग एब्सेंट फाइन कैसे दे सर, हमको पनिशमेंट मिले तो हम लोग हम लेने को तैयार हैं, और ये रूल रेगुलेशन हमको बिल्कुल भी बताए नहीं गए हैं। पहले से हम लोगों को रूल रेगुलेशन नहीं बताया। समस्या क्या है, मतलब एक्चुअल समस्या क्या है सर? हम लोगों से एग्जाम आ रही है, और एग्जाम के पहले हमारे नोटिस पे साइन होता है पूरा, मतलब जितना भी पेमेंट हम लोगों का है वो भरना है, उस पे साइन होती है प्रिंसिपल मैम की। प्रिंसिपल मैम हमारा साइन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उसका कारण यही है कि आप पहले वो भरो फाइन हमारा एग्जाम। किस प्रकार का फाइन? एब्सेंट फाइन। ड्यूटियाँ हम लोगों को करवाई थी हॉस्पिटल में, वो ड्यूटी पे बच्चे नहीं गए हैं कुछ, और कुछ जाते हैं रेगुलर, तो उनका जिनकी जितनी एब्सेंट है उतना फाइन भरो। अब आप क्या इसको लेके क्या कदम उठाया आपने? सर हम फाइन नहीं भरना चाहते, हमसे ये अगर हमसे ये लोग पनिशमेंट के थ्रू अगर हम लोगों को ये लोग ड्यूटियाँ वापस करवा देते तो हम जाने को तैयार है। हम ड्यूटियाँ कर लेंगे, लेकिन हम लोग फाइन नहीं भरेंगे, किसी भी चीज़ का फाइन नहीं भरेंगे। सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, और कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें हुई है सबके साथ। ठीक है, क्या नाम आपका? अनामिका गुप्ता। उसके टाइम पे हमको बोला कि एडमिशन के टाइम पे बोला तुम्हारी छात्रवृत्ति पूरी आएगी, पर अब क्यों बोल रहे कि नहीं आएगी करके? हमको बोल रहे अब तुम्हारी छात्रवृत्ति कम आई है, तुम्हारे पेमेंट पापा की ज़्यादा है ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम्हारी कम आई तो तुम घर से भरो बोले, तो ऐसा कहाँ का। और ये भी तो कृषि वाले हैं, तो इनको भी बोले तुमको भी पूरी भरना ही पड़ेगी बोले। क्या हम भरे तुम्हारी पढ़ रहे? कितनी फीस भरवा रहे आपसे? हमको 65,000, एक बच्चे की 65,000 है सर। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप लोग? GNM। अब क्या मांग करते हैं आप? मैं कहती हूँ कि जितनी अभी हमको मिली छात्रवृत्ति उतनी ही भरे, उससे ज्यादा हम नहीं भरे। और घर से बोला कि 27,000 भरना, तो घर से 27,000 पूरी कंप्लीट है, और छात्रवृत्ति की भी पूरी कंप्लीट है, तो हम क्यों घर से भरे? और अब क्या करने जा रहे हैं? बताया तब एडमिशन समय क्यों बताया कि तुम इतनी फीस भरो कर, मतलब आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हमको अब नहीं भरना है सर। क्या नाम है आपका? हमारी जो हमने छुट्टी मारी उसकी फाइन मांग रहे, तो हम कहाँ से देख, कोई बच्चे कृषि भी करते किसान भी है, वो कहाँ से लाके देंगे सर? जब फीस नहीं भरवा रहे तो क्या नाम है आपका? सपना मंडलो। कोई रूल्स नहीं बताए पहले, और अब लोग हम लोगों से अचानक ही सारे रूल्स बना लिए और पैसे मांग रहे हैं हम लोगों से एब्सेंट फाइन के। तो एब्सेंट फाइन के सर हम लोग चाहते हैं कि पैसे ना ले हमसे, और हमसे हमको पनिशमेंट दे दे, हम पनिशमेंट लेने को तैयार है। अभी हम लोगों की इतने बच्चों की समस्या है, इतने बच्चों के पैसे ले रहे हैं, इसके अलावा अदर भी बच्चे हैं बहुत सारे, उनके भी पैसे लिए जाएंगे, तो उससे अच्छा है हम लोगों को पनिशमेंट करे, तो हम पनिशमेंट की पूरी भरपाई करेंगे। हमारे पनिशमेंट कितने पैसे ले रहे हैं अभी सर? वो बोल रहे हैं कि हम FIR कर देंगे आप लोगों के खिलाफ, तो सर हमारी 22 तारीख से एग्जाम है सर, हमारी 22 तारीख से एग्जाम है। कितने कितने पैसे ले रहे हैं वो सर? एक एब्सेंट के 50 रुपए लिए, 50 रुपए लेने का बोल रहे हैं, पर अभी हम लोगों ने इतना कुछ बोला तो हम लोगों को बोलते हैं कि 20 रुपए दे देना एक एब्सेंट के, तो सर हम इतना भी क्यों भरे? इतने बच्चे, इनको लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो नहीं भर पाएंगे इतना भी। और नोड्यूज भी हमसे भरवा रहे हैं और मुंह पे फाड़ के फेंक देते हैं, और साइन करने के लिए बोलते हैं। कितनी छात्राएं हैं आप? हम 75 बच्चे हैं एक कॉलेज में। तो क्या 20-20 रुपए ले रहे हैं? हाँ। तुम क्या चाहते हो? सर हम नहीं देना चाहते फाइन, हम लोगों को पनिशमेंट मिले तो हम पनिशमेंट लेने को तैयार है, लेकिन हम लोग फीस कभी नहीं देंगे। कब से एग्जाम आपकी? क्या नाम है आपका? अनामिका गुप्ता। सर एक्चुअली बात ये थी कि INC की गाइडलाइंस के हिसाब से 100% अटेंडेंस जो है बच्चों की मान्य होती है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो कुछ बच्चों की जो अटेंडेंस है वो 100% से कम हो रही थी, तो इस बात का इसके लिए हमने रूल्स निकाले थे, तो इस बात का बच्चे विरोध कर रहे थे कि भी इतनी नहीं है, तो अभी हमने जो भी ऑर्डर दिए थे उनको निष्कासित कर दिया है, और हमारा फंक्शन है ऑलरेडी, तो बच्चे भी इस चीज़ पर सहमत हो गए हैं आगे से रेगुलर आने पे, तो और बच्चे इस चीज़ को देखते हुए कि भी उनके भलाई के लिए ये चीज़ थी, तो अब नीचे जाके आराम से जो है फंक्शन का आने लगे। कुछ फाइन की बात भी सामने आई थी कि बच्चे अगर ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे उसके लिए फाइन लिया जा रहा था। सर फाइन का एक्चुअली बात नहीं था, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का भी लास्ट डेट होता है भरने का, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी अगर उस डेट से डिले होता है तो उसका लेट फाइन होता है जो ऑलरेडी पोर्टल पे शो होता है। बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है, उस चीज़ से रिगार्डिंग कुछ नहीं है, और अब सारी चीज़ें जो है बच्चों के साथ सहमति के साथ।
बात विवाद हुआ था उस बीच में एफआईआर वगैरह की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी एफआईआर वगैरह की। बच्चों का आरोप है, बच्चों ने बताया अभी कि फैकल्टी की तरफ से हमें बताया गया था कि एफआईआर करवा दी जाएगी आपके नाम पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं हुई थी। बस जो अटेंडेंस की बात चल रही थी ज़्यादा, कि अटेंडेंस जो बच्चों की रेगुलरिटी बने ताकि भी बच्चे क्लास में आए, अपना क्लास अटेंड करो और अच्छे से फिर पढ़ाई कर सके। क्या नाम था? मीनाक्षी। किस पद पर? प्रिंसिपल इंचार्ज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।